थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए। हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुई आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज। बाबरी मस्जिद को गिराना देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक बात है, ये मैंने कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो एंड तक आप लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है, हो सकता है आप लोग ने पहले देखा होगा, लेकिन ये दो व्यक्ति का वीडियो है और दोनों दो धर्म का है, एक इस्लाम धर्म का है और एक हिंदू धर्म का है, और दोनों का बयान सेम ही मुझे लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आगे शेयर करना ना भूले, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। सर 1947 से लेकर 2023 तक कोई एक इतिहास ऐसा जिसे पूरे देशवासियों को गर्व करना चाहिए और एक इतिहास ऐसा कि सबको शर्म करना चाहिए? बड़ी सारी घटनाएं हैं, बांग्लादेश की घटना है जिसको सबको गर्व करना चाहिए, एकदम गर्व करना चाहिए। भला एक अचीवमेंट है, पॉलिटिकल अचीवमेंट है, लिबरलाइजेशन है, ठीक है, अच्छा मोड आया, बड़ी सारी घटनाएं, कोई एक घटना ऐसी स्पेशल, लेकिन मैं तो बांग्लादेश को अचीवमेंट मानता हूं और जिस पे हमें थोड़ा सा दुखी होना चाहिए। बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए। मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। न काबे का तवाफ रुका था, न काबे का हज रुका था। हाँ बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे, काबे को इंतजार था तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा, हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुई आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी अल्लाह। दोस्तों इस वीडियो से क्या शिक्षा मिला है? वजह सर ने जो कहा है कि सबसे शर्मनाक बात है कि बाबरी मस्जिद को गिराना नहीं चाहिए था। वह एडुकेटेड, हाईली एडुकेटेड पर्सन है भाई, वह ऐसा उसका तो बात नहीं करेगा, आप और मैं जैसा बात तो नहीं करेगा। वह शिक्षा वाला बात करता है, उनको इतिहास मालूम है इसलिए तो उन्होंने इस तरह का बात कहा है, वरना अगर इतिहास में कुछ गलती रहता था कि हाँ बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, उनको मालूम रहता तो इस तरह का बात तो नहीं करते थे, क्योंकि उनको इतिहास मालूम है इसलिए उन्होंने कहा कि शर्मनाक बात यह है कि बाबरी मस्जिद को गिराना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सलमान अजहर ने जैसा कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है, और यह सोचने वाला बात है मेरे दोस्त कि काबा के अंदर भी 360 मूर्तियां 360 भूत को रखा गया था, पर काबा किसका इंतजार कर रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, नबुवती मिला, काबा को उन्होंने साफ किया, मतलब काबा के अंदर से शिर्क और कुफर को निकाला गया है। पर आज के दिन में इतिहास गवाह है दोस्तों, इस्लाम की अगेंस्ट, मुसलमान की अगेंस्ट जितना भी राजा बादशाह इस दुनिया में आए, प्रेसिडेंट आए, जो लोग ने इस्लाम के खिलाफ काम किया था, कोई नहीं टिक पाया है। क्योंकि दोस्तों इस्लाम का जिम्मेदारी खुद अल्लाह सुबहान व तआला ने लिया है। आज के दिन में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, हमारा मुसलमान में भी है, बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम में भी है, कि शायद इस्लाम खतरा में है, लेकिन नहीं, इस्लाम खतरा में नहीं है, जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट है वही लोग खतरा में है। क्योंकि दुनिया में का इतिहास गवाह है दोस्तों, इस्लाम के अगेंस्ट जो लोग ने काम किया है वो लोग का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, वो लोग खुद बर्बाद हुआ है। आज इंडिया की जमीन पर हमारे प्यारे देश भारत में हम, हो सकता है कुछ टाइम के लिए मुसीबत में है, हो सकता है हमारा एक दो मस्जिद को तोड़ दिया गया है, मस्जिद को तोड़ के वहां पे मंदिर बनाया है,
हम लोग सबर का इंतजार, हम लोग सबर कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसा कहा है सलमान अजहरी ने कि सलाउद्दीन अयूबी हमारा बिजनेस जरूर आएंगे और इंशाल्लाह आएंगे, मस्जिद जहां पे था वहां पे इंशाल्लाह बनेगा वापस। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद नहीं बनाया गया था, आज ताकत के कारण अपने ताकत को इस्तेमाल करके वहां पे मंदिर बना रहे हैं मस्जिद को तोड़ के। तो दोस्तों इस वीडियो से आपका क्या राय है हम कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना, आपका प्यारा साथ से एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।